मसूक खान यूट्यूब चैनल नौटंकी पेश कर रहे हैं घायल चीता उर्फ भवानी बलियान। भगवानी तुम्हारी आई दुनिया में इंसान की कीमत कोई नहीं। क्या है आज तक हर गली हर अखबार में मुझे बदनाम करती रही और अब साली खुद बा खुद बदनाम हो जाएगी। ठीक है आओ चलते हैं ऊपर वाले नेकी के रास्ते पे चलने का अंजाम यही होता है। चारों तरफ अंधेर मचा है पानी महंगा सस्ता खून कोई बताए क्या है यहाँ का कुदरत का कानून। अरे आज सोनू गुंडा और भानु प्रताप मंत्री चरणदास ने मेरी इज्जत को लूट लिया। समाज में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। भगवान आखिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ी थी जो आज तूने मुझे इतनी बड़ी सजा दिया है। आए भगवानी तुम्हारी अरे दुनिया में भगवानी तुम्हारी आई दुनिया में इंसान की कीमत कोई नहीं। भगवानी तुम्हारी दुनिया में भगवानी तुम्हारी में आग लग गई हो वहां पर मैं जीकर क्या करूंगी। लिखा परदेश किस्मत में तो वतन की याद क्या करना और जहां बेदर्द हो की वहां फरियाद क्या करना। ये बख्शी तालाब नहीं बल्कि सोनू गुंडा और भानु प्रताप मंत्री चरणदास का गुलाम बन गया है। आज ये भारती देवी अपने आप को इसी जगह पे मार लेगी और भगवान आ रही हूँ तेरे पास तुझसे पूछूंगी कि हमें बख्शी तालाब में इंसाफ क्यों नहीं मिला। पापा पापा तो खुदकुशी करके क्यों दे रही जान को नहीं जान को साथ तेरे क्या हुआ तो मुझको बता। खुदकुशी करना तो और महापाप है जान लेने को दिल दे जान।
साक्षी नहीं, मैं अकेली तन्हा जी करी और करूंगी भी क्या, मुझको मर जाने दीजिए साहब। उनके तू हमसे जाने दो साहब, पूछो हकीकत नहीं, जाने दो साहब पूछो हकीकत नहीं, भारतीय संघ में क्या दावा, बापू का कत्ल होकर सहेली मरी। हाय बापू का कत्ल होकर सहेली मरी, और मेरे कत्ल कर किसने ली आप कत्ल कर किसने ली आप रू है तेरी, तू हमसे बता दे अभी, छोड़ूंगा मैं कमीनों को फांसी के तख्ते पर। साहब उनके विषय में ना पूछिए तो अच्छा है, वरना जिस तरीके से मैं रो रही हूँ कल तुम भी रोओगे साहब। ये कानून की वर्दी पहनने से पहले उस तिरंगे के नीचे कसम खाया था कि फर्ज के खातिर पे अपनी जान को दे दूंगा, लेकिन अपने कदम को पीछे नहीं हटाऊंगा। अगर ये बात है, आप ऐसा लगता है कि इस बख्शी तालाब में नए नए आए हैं। हाँ मैं नया आया हूँ। तो मैं आपको हकीकत बताऊंगी साहब, मेरा नाम भारती देवी है और हम परिवार में सिर्फ दो ही लोग थे, हमारे पापा जिनका नाम पत्रकार भरतलाल था, उनका काम यही था कि प्रतिदिन नई से नई न्यूज अखबार में छापना, और इसी बख्शी तालाब में वो तीन शख्स रहते हैं जिनका नाम सोनू गुंडा, भानु प्रताप, मंत्री चरणदास। इनका कारोबार, इनका पेशा धंधा सर यही है कि देश विदेशों से नाजाज हथियार गांजा अफीम ब्राम सुगर मंगवा के इस बख्शी तालाब की जनता को तबाह करना इनका पेशा है साहब। बस यही बात हमारे पापा ने अखबार में छाप दिया, तो हमारे पापा के साथ में जाते उन लोगों ने क्या किया, क्या किया साहब, बख्शी तालाब के बड़े वाले चौराहे पे दिन दहाड़े सोनू गुंडा हमारे पापा को गोली से मार दिया, किसी ने आवाज नहीं उठाया साहब। एक हमारी बचपन की सहेली थी जिसका नाम किरण था, वो हमारी सहेली नहीं बल्कि मैं उसे अपनी छोटी बहन मानती थी साहब। उसने देखा कि आज भरत लाल का खून हुआ है, खून करने वाला सोनू गुंडा है। ये बात मैं कानून वालों को बताऊंगी, कानून का वो सहारा लेना चाहिए, वो कानून से मदद मांगने जा रहे थे, लेकिन उसके साथ में क्या हुआ, सोनू गुंडा
उसकी इज्जत को लूट लिया और बख्शी तालाब के बड़े वाले चौराहे पे गोली से मार दिया। किसी ने आवाज नहीं उठाया, किसी ने आवाज नहीं उठाया साहब। लेकिन इन्हीं बाहों में हमारी बहन किरण दम को तोड़ा था, सारी सच्चाई में जान गई। उसी दिन से मैंने मीडिया का काम खुद करने लगी और सोनू गुंडा भानु प्रताप के खिलाफ साबूत इकट्ठे करने लगी। जब मैं वही साबूत अखबार में छाप दी तो वो तीनों के तीनों बौखला गए। अंत में सोनू गुंडा हमारे दफ्तर में आके हमारे कनपटी पे रिवॉल्वर रख के मंत्री चरणदास के फार्म हाउस सर घसीटते हुए ले गया। वहां पर उन लोगों ने सोनू गुंडा भानु प्रताप मंत्री चरणदास ने मेरी इज्जत को लूट लिया साहब। मैं जीना नहीं चाहती हूँ, मैं इस जिंदगी पे अपना सर पटक पटक के जान दे जाई भारती जाई। अगर आज तुम अपनी जान को दे देगी तो ये बख्शी तालाब पे जितनी बहने हैं ये अत्याचार उन पे भी होगा। हमारी बात मानो, तुम एक सरकारी गवाह बन जाओ और हमारे साथ चलकर अदालत पे गवाह। तुम्हारे कहने का मतलब मैं अदालत में चल के उनके खिलाफ गवाही दे दूं और उन्हें सजा हो जाएगी, लेकिन मेरा क्या होगा? तुम्हारा क्या होगा जब बख्शी तालाब के लोग तुम्हारी कस्मे खाएंगे कस्मे? नहीं साहब, औरत का जो सबसे बड़ा गहना होता है वो होता है उसकी इज्जत। साहब उन लोगों ने मेरी इज्जत को लूट लिया, अब तुम्हें बताओ कौन मेरा हाथ थामेगा, कौन मेरी मांग में सिंदूर भरेगा, कौन मुझसे शादी करेगा साहब? भारती देवी, मैं मानता हूँ कि औरत का सबसे बड़ा गहना उसकी इज्जत होता है। हाँ साहब, अगर किसी माँ बहन की इज्जत चली जाती है तो ये समाज के लोग उस पे अगली दिखा दिखा के उसे जीने पर मजबूर कर देते हैं। एक भारती देवी, अगर आप बुरा ना माने तो एक छोटी सी बात मैं तुमसे नहीं, आपकी बात को मैं बुरा नहीं मानूंगी। कहिए साहब क्या कहना चाहते हैं? भारती देवी, कर यही बात है तो कसम, कर यही बात है तो खाता कसम, बस इतना शहद मुझे को दे दीजिए। बस इतना शहद मुझे को दे दीजिए, जिंदगी भर के लिए तो सर मुझे ले चलिए अदालत। मैं चीख चीख के कहूंगी कि सोनू गुंडा और भानु प्रताप और मंत्री चरणदास ने मेरी इज्जत को लूटा है। अरे ये देशद्रोही साहब। भारती, आप तालाब तो साल लटकाओ कस्बा बख्शी तालाब में। भानु प्रताप सोनू गुंडा व मंत्री चरणदास का चला है गुंडा राज, लेकिन आज के बाद चलेगा पौन का डंडा। खुशी में जम करके शराब पीऊंगा क्योंकि भारती देवी के साथ हैया हैया पीपी के मेरी बन गई। ये जवानी क्या हो से क्या हो और पीपी के मेरी बन गई जवानी सदा।
और एक बार डर तू वो मेरा दोस्त है सोनू गुंडा पक्षी तालाब का माना हुआ गुंडा है रे घुस गया क्या साले घुस गया इतना बड़ा डंडा हाँ तुझे नहीं मालूम वो डंडा नहीं है उसके पास सोनू गुंडा हाकी लेकर के चलता है हाकी नहीं गुंडा ही इंस्पेक्टर पवन जो है गिरफ्तार करके बक्सी तालाब थाने की तरफ लिए जा रहा है क्या अगर कहीं बयान कर दिया कि ये कारनामे आप लोगों के हैं तो लेने के देने में दादा ठाकुर पड़ जाएंगे क्या मेरे दोस्त सोनू गुंडा को गिरफ्तार करके इंस्पेक्टर पवन थाना बक्सी तालाब लिए जा रहा है अरे चल मेरे साथ ये खबर मंत्री महोदय को बताऊंगा हेलो मंत्री महोदय गजब हो गया इंस्पेक्टर पवन कानून की हथकड़ी लगा करके सोनू गुंडा को थाना बक्सी तालाब क्या कहा इंस्पेक्टर पवन की इतनी औकात हो गई कि हमारे दोस्त सोनू गुंडा को हाथों में हथकड़ी लगाकर थाना बक्सी तालाब लेकर चल गया है मंत्री महोदय तुम बक्सी तालाब थाने का नंबर भी ला दो नहीं मेरे दोस्त नहीं भानु प्रताप अगर कोई दूसरा होता तो हम थाने का नंबर जरूर मिला देते ये तो हमारी दोस्त सोनू की इज्जत का सवाल है आज थाना बक्सी तालाब ये मंत्री चरणदास खुद चलेगा तो फिर चलिए शुभ काम में देरी नहीं की जाए क्या किया है मेरा यार मेरा दोस्त सोनू गुंडा
जो आज इसे बैलों के तरीके से मार रहे हो। क्या किया है? क्या किया है? इसने 12 साल पत्रकार का खून किया है और एक लड़की के साथ में रेप। तुम्हारा कहने का मतलब ये है सोनू गुंडा पक्षी तालाब के लोगों को, अरे जो मेरे खिलाफ आवाज उठाता उनका पकड़ करके बक्सी तालाब के चौराहे पे बकरे की तरीके से काटता है और लड़कियों की इज्जत लूट करके उनके साथ में रेप करने के बाद में उनका मर्डर कर देता है। ये शहर लखनऊ है, शहर लखनऊ में बड़ी बड़ी छोटी छोटी बातें बड़े बड़े शहरों में हुआ करती हैं। अच्छा, अगर उस लड़की की जगह पर तुम्हारी बहन बैठी ठहरो तो तुम क्या करते? इंस्पेक्टर पवन, तो हम उस अरे तो हम सोनू गुंडा की माई कहिए चलाए चलाए अरे तुम्हारी तो हम आपकी तारीफ तुम हमें नहीं जानते हो। सैल लखनऊ बक्सी तालाब में लोग मुझे मंत्री चरणदास कहते हैं। ठीक है ठीक है। इंस्पेक्टर पवन हमारे दोस्त सोनू गुंडा को छोड़ दो। सर मैं सोनू गुंडा को नहीं छोड़ सकता। क्यों? क्योंकि ये दफा 302 दफा 376 का मुजरिम है। जीटी फाइल का ऐसा कोई बंदा नहीं है जो जिस पन्ने पे सोनू गुंडा का नाम नहीं लिखा। इंस्पेक्टर पवन आया जीटी फाइल में जितने पन्ने हैं और हर पन्ने की कीमत सिर्फ 50 पैसे होती है और हम तुम्हें हर पन्ने की कीमत 50। पाल्त्री चरणदास तुम्हें बाल भला चाहिए कि रिश्वत देना कानूनी जुर्म है। रिश्वत देने के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार कर सकता हूँ। इंस्पेक्टर तुम नहीं जानते हो किसके सामने खड़े हो। डंडा हटाओ। अरे डंडा दिखा ला और डंडा उठा ला इस कानून की वर्दी में शामिल है। इंस्पेक्टर अगर तुम हमारे दोस्त सोनू गुंडा को नहीं छोड़ते हो तो 12 घंटे के अंदर में हम अपने दोस्त सोनू गुंडा को मंत्री चरणदास क्या बोला अपने दोस्त सोनू गुंडा को 12 घंटे के अंदर छोड़ाएगा। अरे 12 घंटे तो बहुत दूर रहे। अगर 1 घंटे में मैंने सोनू गुंडा की तोपुर का नाम इंस्पेक्टर पवन शायद तुम ये अपनी वर्दी पे ज्यादा गुमान कर रहे हो। यही वर्दी एक दिन तुम्हारे लिए कफन न बनेगा। अगर मेरे वर्दी के खिलाफ एक भी लड़का तो भूल जाऊंगा इस वर्दी को और अगर अपना लिया डंडे को तो तेरी हड्डियों का सुरमा बना दूंगा। इंस्पेक्टर पवन अरे 1 घंटा तो दूर रखो हम तुम्हें बाद में दुनिया से। बहुत अच्छे मंत्री। क्यों हो मंत्री तुम यहाँ तुम तो आसन पर बना देने वाले मंत्री चरणदास। अरे तेरे हिजड़े की फौज की सारी साबूत तो मैंने पहले से इकट्ठा कर लिया था। सिर्फ कमी थी तो तेरे फिंगर उंगलियों के निशान की। आज वो भी तुझे दे दिए। इतनी दफा लगाऊंगा हथकड़ी लगाओ सालों को हथकड़ी लग गई। मंत्री चरणदास इतनी दफा लगाऊंगा कि मैं तेरे खानदान में कोई राजनीति में कदम नहीं रखेगा। चल इंस्पेक्टर पवन इन लोगों के हाथों में हथकड़ी। अरे ऐसा कौन सा इन लोग जुर्म किए हैं जो आप इन लोगों के हाथों में हथकड़ी लगा करके लिया जा रही है। अरे पूछिए सर कि लोगों ने ऐसी कौन सी जुल्म की हद है जिसको इन लोगों ने पार नहीं किया है। कौन सा जुर्म है मैं एक जुर्म बताऊं।
सर ये जो बीच में खड़ा इसे देख रहे हैं, इसका नाम सोनू गुंडा है। ये शहर लखनऊ बक्सी तालाब का माना हुआ गुंडा है। इन सालों को बीचों बीच चौराहे पे बकरे की तरीके से काटता है। ये वो शख्स है कि पत्ता हिलने से पहले पेड़ को काट लेता। सर ये दफा 302 दफा 376 का मुजरिम था। इन्हीं बातों के साथ मैं सोनू गुंडा को गिरफ्तार करके थाना बक्सी तालाब को बहुत अच्छा किया। सर मैं इसको टॉर्चर कर रहा था, तभी ये जो सोनू गुंडा के बाएं तरफ खड़े हैं, इनका नाम है सेठ भानु प्रताप सिंह। ये अपने शासन को भूल कर ये अपनी हुकूमत चलाना चाहते हैं। सर तभी इनका आना हुआ और ये कहने लगे हमारे दोस्त सोनू गुंडा को छोड़ दो। मैंने कहा मैं सोनू गुंडा को नहीं छोड़ूंगा।